हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्ति पीठों में इन दिनों जहां श्रावण अष्टमी मेलों की धूम देखने को मिल रही है, तो वहीं इन शक्ति पीठों पर सफेद चांदी का काला कारोबार भी बेरोक टोक चल रहा है। जी हां, नकली चांदी के इस कारोबार के चलते लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा से खिलवाड़ किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की आस्था के इस केंद्र में नकली चांदी का काला कारोबार लगातार फल फूल रहा है। श्रद्धालुओं की शिकायत के बाद जब मंदिर अधिकारी मदनलाल शर्मा ने पंजाब के सुनार बुलाकर चांदी के छत्रों नेत्रों की जांच करवाई, तो गिनती कक्ष में बैठे सभी कर्मचारी और अधिकारी हैरान रह गए। जिन छत्रों को वो चांदी के समझकर खजाने में रख रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा चांदी के छत्र गिल्ट के हैं। गिल्ट के ऊपर पॉलिश करके दुकानदार श्रद्धालुओं को लूट रहे हैं और गिल्ट को चांदी के रूप में बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि श्री नैना देवी मंदिर में श्रद्धालु अपनी आंखों की सलामती के लिए चांदी के नेत्र व छत्र चढ़ाते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। माता दे हर साल दर्शन करने वास्ते आने हैं, पर बड़ी एक अफसोस की गल है कि माता दे चरणा विच जेड़े चांदी दे नेत्र या चांदी दे छत्र जेड़े चढ़ रहे ने, इत्थे दुकानदार अक्सर जेड़े बेचते हैं वो गिल्ट दे बेचते हैं, वो गिल्ट दे ही चढ़ते हैं। मैं चाहना और सारे पंजाब ही चाहता है कि जेड़े नेत्र और चांदी दे छत्र ने, वो चांदी दे ही छत्र ते नेत्र होन